दिवाली कहाँ गए थे? दिवाली लगा कहना चाहेंगे इस पार्क में जो रोशनी मिली है, मैं कह रहा हूँ इनका बहुत बहुत आभारी, जिन्होंने ये सारा काम कराया बिल्कुल लगन से जी भर के। इन्होंने पार्क की लाइट करवाई, पार्क का सारा रिपेयरिंग कराई, दीवारी सारा पार्क का बहुत अच्छा काम करवाया, बहुत बढ़िया काम अभी तक किसी ने नहीं करवाया। हम क्या कह के थक के लोगों के पास जा जाके थके थे, पर इन्होंने आते ही बहुत अच्छा काम कराया हमारे पार्क का। मैं इनके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद, शुक्रिया। क्यों आम आदमी पार्टी ने नहीं सुना? कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। इनमें जा जाके मैं भैया शराबी आते हैं हमारे को बहुत तंग करते हैं, पर किसी ने, इन्होंने हमारी जाति बहुत सुनाई करी और एकदम काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया। दिव्य जी, आज जो ये त्योहार के अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर ये जो रोशनी मिली है, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां है और हमारी पार्षद सुमन जी ने यहाँ एक महिला पार्क, अच्छा सुंदर पार्क, क्योंकि यहाँ अंधेरा भी रहता था, आई हाई मास्ट लाइट। अब मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की जरूरत भी थी, क्योंकि यहाँ बराबर में टैक्सी स्टैंड पीछे शराब का ठेका जी, और यहाँ एक ऐसी जगह बन गई थी, यहाँ सारे लोग बैठकर शराब वराब पीते थे और माहौल खराब हो रहा था लगातार। तो अब लाइट लगने के बाद मुझे लगता है कि ये समस्या हल हुई है। मैं सुमला जी को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आज तक ये पार्क ऐसा देखा जो आज बनाई, जब से हम यहाँ आज तक ये पार्क ना बना है, इसमें शराबी घूमते रहते थे, शराबी बैठते थे, और इन्होंने पार्क आके हमारे यहाँ पार्क बनाया। मैंने बहुत बहुत बधाई, दिवाली के अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं सुमन नेता जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य करवाया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोशनी मिली आपको? बहुत खुश है, हमें लंबे समय से हमें इस रोशनी की तलाश थी जी। और पिछली आज तक किसी गवर्नमेंट का ध्यान इस पर नहीं गया, दूसरे लोग जितने भी आए कांग्रेस विभाग वाले, और हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बहन सुमन लता जी का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी मतलब कोशिश करके, त्याग करके, मेहनत करके यहाँ लगवाया। दिवाली पर ये तोहफा मिला आपको? हमें दिवाली पर भी तोहफा मिला, एक बहुत बड़ी बात ये थी, यहाँ चोर उचक्के बहुत आते थे, जो चेन छिनती थी वो यहाँ से गायब होकर भाग जाया करते थे। उस तरीके से अब ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, हमें पूरा यकीन है। हर तरीके से सही जगह लाइट लगी है? हाँ बिल्कुल सही जगह लगी है, चारों तरफ लाइट जाएगी और कई घरों को भी रोशनी पहुंचेगी इससे। आज ये जो लाइट दी का उद्घाटन किया है आपके निगम पार्षद ने, क्या कहना है आपको? निगम पार्षद जी बहुत अच्छा करा है जी, बहुत अच्छा। यहाँ चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा होती थी, इससे काफ़ी इफेक्ट आएगा। जरूरत थी यहाँ पे लाइट? बहुत जरूरत थी, बहुत ज्यादा। पॉइंट सही चुना? बिल्कुल सही चुना, बेशर्ते कि ये रोज जले। अरे अरे भाई आओ ना, लगाओ ना हाथ, आप ही करो, लगाओ जी। हाँ भाई बैठो बैठो बैठो, यहाँ यहाँ एक मिनट। भारत माता की, सुनील जी क्या कहना चाहेंगे दिवाली पर ये जो तोहफा मिला है? ये लाइट आने के बाद श्री राम नगर के लोगों को ये बहुत बड़ा तोहफा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मोहल्ले की बहन बेटियाँ जो है ना जी, वो काफ़ी दिन से थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि लाइट नहीं थी जी। तो अब जाहिर सी बात है कि लाइट आने पर सबको जो है ना, बच्चों को, महिलाओं को, सबको ये परेशानी खत्म हो गई। निगम पार्षद जी ने सही समय पे सही तोहफा बिल्कुल 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 सही है, ये दिवाली की जो है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। निगम पार्षद की शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो देखो कोई भी हो, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। आओ तो सही, अरे आओ ना जी, आओ आओ भाई साहब, आप लोग नेता लोग निगम पार्षद श्रीमती सुमनलता नागर जी की तरफ से जो ये इस पूरी जो मेन रोड है हमारी रामनगर की, और सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है, धर्मशाला है, डाकखाना है, और तीनों चारों गलियों में
बहुत बढ़िया ये कार्य उनकी तरफ से किया गया है और इनकी तरफ से हमारे दिव्य जी भी हैं यहाँ पर, मतलब सबकी तरफ से क्षेत्र को हमेशा जो भी सहयोग हो सकता होगा हमने हमेशा किया है। 15 साल के नाते से दिव्य जी ने किया, आगे से सुमनलता जी कर रही है और हमारे यहाँ से लेकर जरूरत थी इस लाइट की, इस लाइट की बहुत जरूरत थी और लाइटों की जरूरत तो हर गली में है क्योंकि उसका लोग नाजायज फायदा उठा के चाइनीज इलेक्ट्रिक वगैरह सब करते हैं और ये तो वैसे भी मंदिर कहा जाता है कि ये लाइफ लाइन है रोड। ये रामनगर की जो मेन 3 रोड्स हैं, जैसवाल रोड और ये डखने वाली रोड और ये तीसरी फोरमेंसा वाली रोड, ये लाइफलाइन रोड है और इस रोड के ऊपर अगर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है और सबसे बढ़िया बात है लाइट ऐसी जगह की जिसमें 3 गलियां, मतलब पॉइंट सही चुना है, बहुत ही शानदार पॉइंट है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सब लोग दिवाली के पर्व की तैयारी पूर्व संध्या पर यहाँ खड़े हुए हैं और आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया है कि प्रकाश पर्व के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कई जगह हम लोगों ने आज हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया है, उसी में से एक ये भी है। तो जैसा उमेश जी ने भी बोला कि क्षेत्र में कई ऐसे डार्क स्पॉट जो आप सब जानते हैं वो ऐसे हैं कि जैसे आपराधिक असामाजिक तत्व जो है उसका फायदा उठा के कुछ वारदात कर देते हैं, तो ऐसी पॉइंट चिन्हित करे गए हैं कुछ पॉइंट जैसा श्री रामनगर में, फिर 8 जगह जहाँ हमने जिससे कि आने वाले समय में सर्दियों में लेट दिन जल्दी अंधेरा हो जाता है तो उसमें हमें शायद ये बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है और अच्छे पॉइंट चुने गए हैं। ये सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों को जी और जितने भी सभी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि कोई पहला काम नहीं है इनका जी। पहले भी जो है धुआं लेकर जो है कई बार घूमे जी और काम अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस वर्कर होने के बाद में जय जयकार कर रहे हो, जो सच्चाई मैं तो सच्चाई बोलता हूँ जी। बात नहीं, मन लता जी ने जो इस लाइट को दिया सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ 9 बजे 10 बजे तक मंदिर आना जाना लोगों का लगा रहता सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने ऐसा रामनगर क्षेत्रवासियों को मतलब एरिया में 8 जगह आज हाई मार्क्स लाइट पे लगाई गई है। जैसे कि हमारा मंदिर का एरिया अंधेरे में रहता था तो काफ़ी यहाँ जरूरत थी हाई मार्क्स, अब यहाँ हाई मार्क्स लगने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। बहुत बढ़िया यादगार तोहफा है हमारे दिव्य जी, हमारे प्रधान जी, हमारी बहन जी, इनके सहयोग तो दिवाली पे इससे अच्छा तोहफा हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो, आने के लिए जितने आने जाने वाले हमारे भक्त हैं उनके लिए बड़ी सुविधा हुई है, हम लोगों को बड़ी सुविधा है, इसके लिए हम सबका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। मैडम आज जो दिवाली के मौके पर दूसरे दिन छोटी दिवाली पर जो आपने तोहफे दिए हैं, कितने लाइटों का आज उद्घाटन किया आपने? पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता को और अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी, दूसरा मैं उनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके ही फंड से जो आज हम 8 हाई मार्क्स हैं, 5 का आज किया और 3 का हम कल कर चुके थे, तो उनका धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली जो है उजाले का प्रतीक है, तो ये एक बहुत अच्छा भव्य तोहफा मिला है हमें हमारे सांसद जी के कर कमलों से। तो वह किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? दीपावली के शुभ अवसर पर जो हमारे सांसद जी ने पूरे क्षेत्र को लाइटों का तोहफा दिया है, हमारी पार्षद सुमलता नागर जी ने पूरी मेहनत करके सांसद जी से फंड लेके आई और पूरे क्षेत्र को जगमगाया है। इस दीपावली दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, इस रोशनी के त्यौहार पे हमारी पार्षद जी ने पूरे क्षेत्र में जगमग किया है, इसके लिए हम तहे दिल से सभी क्षेत्रवासी संगठन के पार्टी के लोग उनका तहे दिल धन्यवाद करना चाहते हैं। जी वार्ड को मिला तोहफा, वार्ड को जो तोहफा मिला है सुमनलता नागर जी जो है ना वो इतना बढ़िया काम कर रही हैं और मैं कबूल नगर RW के प्रेसिडेंट होने के नाते इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम करा, क्योंकि इस लाइट के लिए हम बहुत समय से परेशान थे जो किसी ने नहीं करा, मगर इन्होंने आके इस काम को सुचारू रूप से करा और जगह भी इन्होंने लाइटों का उद्घाटन करा और लगवाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड में सही काम हो रहा है? बिल्कुल वार्ड में अच्छा काम हो रहा है। देखिए पार्टी से हटकर मैं कहना चाहता हूँ जी, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर कहना चाहता हूँ, कोई भी हो जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको लोग चाहते हैं और इनका काम करने की जो शैली है ना वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बढ़िया शैली है इनकी।